मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी के साथ विदिशा के मुखर्जी नगर स्थित सुंदर सेवा आश्रम पहुंचे, जहां तीन दत्तक बेटियों की शादी की तैयारियां हो रही थी। सीएम ने कहा कि तीनों बेटियों की देखभाल की जिम्मेदारी उन्होंने आश्रम को दी थी। सीएम ने शादी की तैयारियों का जायजा लेने के साथ तीनों को आशीर्वाद दिया। इस दौरान सीएम शिवराज ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते वो ये सोचते हैं कि ऐसे बच्चे जिनका कोई नहीं है उन्हें कैसे सड़क पर छोड़ दिया जाए। इसी सोच से जन्मी है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, जिसमें अनाथ बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था के साथ 5,000 रुपये प्रति माह पेंशन और राशन की व्यवस्था की जाती है। उन्होंने कहा कि विधायक सांसद रहते उन्होंने निर्धन बेटियों का विवाह कराया। सीएम बनने के बाद मुख्यमंत्री कन्यादान योजना प्रारंभ की, इसके साथ ही बेटियों के कल्याण के लिए लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई। सीएम ने कहा कि बेटियों का भविष्य कैसे बेहतर बने इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे समाचार मिला, मैं सांसद था, कि इन बेटियों की कुछ सहायता करनी चाहिए, तो मुझे लगा कि सहायता करने से क्या होगा, और मन में यह भाव पैदा हुआ कि इन बेटियों को अपने पास ही रख लें। 1998 में एक वीर सिंह करके बेटा मेरे पास आर्थिक सहायता के लिए आया था, क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे, उसके साथ उसकी एक छोटी बहन थी, एक छोटा भाई था। तब यह भाव मन में आया कि थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता से क्या होगा, अगर सांसद हैं तो हमको ऐसे बच्चों की चिंता करनी चाहिए। तो इन तीन बच्चों को पहले मैंने अपने पास रख लिया था, और उसके बाद फिर और तीन बेटियों का पता चला जिनका अभिभावक माता पिता नहीं थे, तो उनको भी अपने पास रखने का फैसला किया।